हिमाचल में पशु लंपी वायरस की चपेट में 5,000 पशुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 85,000 पशु इस बीमारी की चपेट में है। वहीं भारतीय किसान संघ ने सरकार से इस बीमारी से बेजुबानों को बचाने की सरकार से भी मांग की है। साथ ही किसानों के मिलकर उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी। भारतीय किसान संघ की महिला प्रमुख मंजू दीक्षित ने कहा कि प्रदेश सरकार को ऊंचा सुनने की आदत है और पशु अपनी पीड़ा बताने में असमर्थ है, तभी तो इन बेजुबानों को बचाने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही है। यह जानलेवा वायरस अभी तक प्रदेश में हजारों पशुओं की जिंदगी से खेल चुका है। पशु लंपी वायरस नामक भयानक बीमारी का सामना कर रहे हैं बेजुबानों के लिए यह बीमारी आपदा बनकर आई है, और यदि सरकार इस रोग के बचाव के लिए कोई कदम नहीं उठाती है तो यह जानलेवा बीमारी और भयंकर रूप ले लेगी, और इस तरह से पशुओं की मौत को भारतीय किसान संघ चुपचाप नहीं देखेगा। आप देखिए गांव में जाके आज हमारे पशुओं का क्या हाल है, लंपी रोग से ग्रस्त है, ठीक प्रकार से उनका वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, तो ये सब कौन सुनने वाला है? किसान की समस्याओं को अगर आप अनदेखा करेंगे तो आपको भी पता है कि फिर क्या परिणाम आने वाले हैं। तो बार बार हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप किसानों की समस्याओं को सुनिए और उनका समाधान निकालिए, नहीं फिर हम अगर योजना बनाते हैं तो आपके लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग किसान संघ की बात ये आगे पहुंचाएं और समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करें। हम रणनीति बनाएंगे, हम किसानों के साथ बातचीत करेंगे, हम ग्राम समितियों तक जाएंगे और उनको जागरूक वापस करेंगे और कहेंगे कि इसके लिए अब हमको ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि बार बार चेतावनी देने के बाद अगर कोई नहीं संभलता है तो ठोस कदम उठाएंगे हम, और अपने किसानों की समस्याओं के लिए लड़ता रहा है किसान संघ। इसीलिए किसानों का संगठन जो सबसे बड़ा है विश्व का, वो भारतीय किसान संघ है।